बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान का टेम्परेचर ख़तरनाक हद तक बढ़ चुका है। याद रखें, अगर आज ये गर्मी हमसे बर्दाश्त नहीं हो रही, 10 साल बाद हमारे बच्चे ग्लोबल वार्मिंग से हमारे ही हाथों में तड़प तड़प के मरेंगे। इसका वाहिद हल शजरकारी है। आम, जामुन, लहची और फलसा वगैरह का मौसम इस वक्त अपने अरूज पर है। इस सिलसिले में हम आपसे दरख्वास्त करते हैं कि बराए कराम फल खाने के बाद इन फलों के बीज और गुठलियां कूड़े में मत फेंकें, बल्कि इनको धोकर अपनी गाड़ी वगैरह में रख लें। और जब भी किसी ऐसी जगह से आपका गुज़र हो जहां पर दरख्त वगैरह ना हो, इन बीजों और गुठलियों को वहां फेंक दें। या हाईवे के साथ साथ वाली जगहों पर फेंक दें। चंद दिनों के बाद बरसात का मौसम अपना रंग दिखाएगा और आपके फेंके हुए इन बीजों में से ज़्यादातर उग आएंगे। और अल्लाह के फजल से दरख्त भी बन जाएंगे। दरख्त ना सिर्फ सदका जारिया है, बल्कि इस वक्त पाकिस्तान और दुनिया की सबसे बड़ी ज़रूरत है। हमारा ये छोटा सा अमल पाकिस्तान को एक ग्रीन पाकिस्तान बनाने का पहला कतरा साबित होगा। और ये एक ऐसी सरमायाकारी है कि जिसका फ़ायदा आने वाली नस्लों को होगा और आखरत में हमको होगा। आपके वक्त का शुक्रिया। ऐसी और वीडियो देखने के लिए मेरे YouTube चैनल सेमिनार बानी को सब्सक्राइब करें। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो काइंडली इसलिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टेक केयर। सी यू अगेन इन नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।